पेड़ की लड़ाई चिपको आंदोलन पर आई। जी हां, भोपाल में मंत्रियों विधायकों के लिए बंगलों का निर्माण होना था और इन बंगलों के निर्माण के लिए वहां पर पेड़ों की कटाई होनी थी, लेकिन अब इसको लेकर विरोध तेज हो गया है। लोग सड़क पर उतर आए। माननीयों के बंगले से पब्लिक क्यों है नाराज और बंगले से परेशानी क्या है वो आपको दिखाते हैं। पेड़ से महिलाएं चिपकी हुई हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं। ये लोग पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दे ही रहे हैं, साथ ही मंत्रियों और विधायकों के लिए बनाए जाने वाले मकान का भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने भोपाल में करीब 2,267 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ने का प्लान बनाया है। मंत्रियों के लिए 30 बंगले, 16 फ्लैट और 230 विधायकों के फ्लैट के साथ 3,480 सरकारी अफसरों के बंगले और मकान बनाने की योजना है। शिवाजी नगर, तुलसी नगर इलाके में इस प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाए जाने हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो चुका है। स्थानीय पार्षद गुड्डू चौहान की अगुवाई में लोगों ने पेड़ से चिपक कर प्रोजेक्ट का विरोध किया। गुड्डू चौहान के मुताबिक अगर पेड़ कट गए तो पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। चिपको आंदोलन चालू हो रहा है, जिस प्रकार से राज शासन यहाँ मंत्रियों विधायकों को बंगले बनाना चाह रहा है, जिस प्रकार से यहाँ अवैध रूप से स्मार्ट सिटी लाई गई थी, उसी प्रकार से आज यहाँ जिस प्रकार से सिपाही या तुलसी नगर की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है, हमारा स्पष्ट शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर 60,645 पेड़ हैं, जो माननीय बुच मैडम ने जो जिसमें गिनती कराई थी उस समय इतने पेड़ निकले थे। इन पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो ये पेड़ जिस प्रकार से तापमान इस बार 48 डिग्री गया है, अगली बार ये तापमान 50 के ऊपर होगा और भोपाल की 12% गिनती में से 4% गिनती जो है सिपाही नगर तुलसी नगर में है। उधर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं का कहना था कि यहाँ के पेड़ों को हमारे बुजुर्गों ने लगाया है और इनसे हमारा भावनात्मक लगाव है। महिलाओं ने सरकार से मकान कहीं और बनाने की मांग की है। हम 30-35 साल से अपने दुर्गा नगर शिवाजी नगर में रहते हैं। हमारे सास ससुर 50-60 के हो गए हैं, उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, उनके हाथ के पेड़ पौधे हैं। अब आप सोचिए, ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और हमें भेजना चाह रहे कलखेड़ी। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजे, हमें यहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं। मंत्रियों के आवास और उसके लिए कटने वाले पेड़ को लेकर कांग्रेस भी विरोध में खड़ी है। लोगों का विरोध तो है ही, साथ ही सियासत भी हाई हो रही है। ऐसे में सरकार के सामने प्रोजेक्ट को पूरा करना बड़ी चुनौती बनते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। एक बुजुर्ग को तो इस कदर गुस्सा आ गया कि उन्होंने खुद पर ही थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। क्या हुआ था, माजरा क्या है, जानते हैं। अतिक्रमण दस्ते का विरोध, चौपाटी हटाने का विरोध, बुजुर्ग का थप्पड़ कांड। तस्वीरें इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके की है। यहाँ पर नगर निगम का दस्ता है, मौके पर पुलिस है, स्थानीय लोग हैं। प्रशासन की टीम अवैध रूप से चौपाटी को हटाने पहुंची है, लेकिन मौके पर मौजूद लोग विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है तो वहीं बुजुर्ग बात करते दिख रहे हैं। दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच बुजुर्ग ने कुछ ऐसा किया जिसने अतिक्रमण हटाने गई टीम को भी सन्न कर दिया। बुजुर्ग ने अचानक खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, हालांकि बाद में निगम के अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। इंदौर के सुदामा नगर और विश्वकर्मा नगर में 350 अवैध निर्माण किए गए हैं। इसके अलावा 25 से ज्यादा दुकानें भी अवैध हैं। अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन व्यापारियों ने न तो दुकान हटाई न ही अवैध निर्माण। ऐसे में प्रशासन जब कार्रवाई के लिए पहुंचा तो यहां ये हंगामा मच गया।
मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू होने से पहले ही रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। इन दिनों नदियों से रेत खनन का काम तेजी से हो रहा है। आरोप है कि माइनिंग विभाग सब कुछ जानते समझते हुए भी खामोश बैठा हुआ है। रेत का काला कारोबार, अवैध स्टॉक के पहाड़, नॉन स्टॉप खनन, गहरी नींद में प्रशासन, नदियों का सीना रेत माफिया इन दिनों छलनी कर रहे हैं। नॉनस्टॉप अवैध रूप से रेत का खनन काम जारी है, बल्कि और तेजी से चल रहा है। इसकी वजह भी है, ऐसा नहीं है रेत की मांग बढ़ गई है, लेकिन रेत माफिया के लिए हाई टाइम है। तस्वीरें देखिए, यहां मैदान में रेत का भंडार है, ऐसा भंडार कि ये किसी नदी का किनारा लग रहा है। तस्वीरें जगदलपुर की हैं। दरअसल यहाँ अवैध रूप से रेत का भंडारण किया जा रहा है। अवैध भंडारण की वजह है बारिश। जी हाँ, दरअसल बारिश के दिनों में रेत के खनन का काम बंद हो जाता है। नदियों में पानी इतना ज्यादा होता है, साथ ही उनका प्रवाह भी इतना ज्यादा होता है कि रेत का खनन असंभव हो जाता है। ऐसे में रेत माफिया अपने धंधे को चलाने के लिए रेत को बारिश से पहले स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, जो नियम के मुताबिक गलत है। लोगों का कहना है कि ये सब कुछ माइनिंग विभाग की साठगांठ से होता है। हालांकि अवैध स्टॉक को लेकर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। जहां पे वैध भंडारण के लिए जो लाइसेंसेस जारी किया गया है, जो पहले से जारी हुआ है, उस वहां पे भंडारण करने के लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपके माध्यम के द्वारा संज्ञान में आया है कि यहाँ पे अवैध भंडारण हुई है। मैं माइनिंग वालों को निर्देशित करूंगा कि जाके चेक करें, और अवैध अगर हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब रेत के अवैध खनन की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें कांकेर के माहौत की हैं। यहाँ रात के समय खनन चल रहा है। ये तब हो रहा है जब पिछले दिनों विधायक ने रेत खदान पर प्रशासन के साथ छापेमारी की थी। मौके से तब दो चेन माउंटेन जब्त की गई थी, लेकिन कार्रवाई का रेत माफिया पर कोई असर नहीं हुआ। अवैध रूप से खनन अब भी जारी है। हालांकि कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उसमें बिल्कुल ये इस तरह का माफिया लोग अगर कुछ काम करे तो उसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जैसे पहले ही उसमें बंद था, उसी तरह से ही वो बंद रहेगा। जो नियम में है, नियम से ही चल रही है, उतने ही रेत खदान, क्योंकि रेत की थोड़ी आवश्यकता डेवलपमेंट वर्क को लगती है, उतने ही चलेंगे। बाकी सब बिल्कुल शत प्रतिशत बंद रहेगा। गलत है, वो उसको कार्रवाई करेंगे। रेत के अवैध कारोबार के तार रसूखदारों से जुड़े हुए हैं। प्रशासन कार्रवाई करने का दावा तो करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और ये बात कांकेर और जगदलपुर की घटना से बखूबी समझी भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। श्योपुर के पास में ही चंबल नदी है। नदी में 365 दिन पानी रहता है, बावजूद इसके जिले में पानी का संकट है। शहर से लेकर जो दूर दराज में ग्रामीण इलाके हैं, वहां तक लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। प्रचंड गर्मी ने एक तरफ जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ श्योपुर में पानी के संकट ने लोगों का जीना और भी दुश्वार कर दिया है। श्योपुर और विजयपुर के कई वार्डों में भीषण जल संकट है। पिछले चार दिन में लोगों ने दो बार नगर पालिका श्योपुर और नगर परिषद विजयपुर के दफ्तर पर प्रदर्शन किया, लेकिन पानी की समस्या का हल नहीं निकला। खास बात यह है कि जिले में चंबल, कूनो, क्वारी, पार्वती जैसी चार बड़ी नदियां हैं,
इसके अलावा 10 से ज्यादा छोटी नदियां हैं, लेकिन लोग पानी के लिए परेशान हैं। जिले की हीरापुर ग्राम पंचायत के आसपास के करीब 15 गांवों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। गर्मी आते ही जिले के गिरधरपुर इलाके में पेयजल संकट गहरा गया है। स्थिति यह है कि गांव-गांव में हैंडपंप खराब हो गए हैं, नदियों का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। ग्रामीण एक एक दो दो किलोमीटर का पैदल सफर करके पानी ढोने को मजबूर है। कई जगह तो नल जल योजनाओं के हाल भी बदहाल है, टंकियों में पानी नहीं भरा जाता और नल से पानी नहीं निकलता, इस वजह से भी लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पेयजल की समस्या को लेकर पीएचई विभाग के अपने दावे हैं। नल जल योजना को लेकर विभाग का कहना है कि योजना पंचायत देखती है और समस्याओं का तुरंत निदान भी किया जाता है। कई बार टेक्निकल दिक्कतें आती हैं जिन पर कदम उठाया जाता है। जगह जगह हमने स्रोत करवाए हैं ताकि लोगों को पानी से निजात मिल सके। जहाँ वहाँ वाटर लेवल नीचे गया है वहाँ हमने सिंगल फेस मोटर पंप डाल के व्यवस्था बनाई है, और जहाँ हमारे पास समस्या आ रही है कहीं भी नल जल योजनाएँ विद्युत कारणों से प्रभावित हो रही हैं कि यहाँ 3 फेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो विद्युत विभाग से हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके योजना को निरंतर रूप से चालू बनाए रखना है। यू योजना पंचायत को हैंड ओवर है, वहाँ संचालन में समस्या आ रही थी तो रोज प्रति हफ्ते हम लोग वीसी के माध्यम से या फिर एक मीटिंग करते हैं जिला पंचायत की अध्यक्षता में, ताकि जिन पंचायतों में योजना नहीं चल पा रही है, चाहे स्टार्टर खराब होना हो, चाहे मोटर पंप खराब होना हो, चाहे लीकेज रिपेयरिंग, ये रहते हैं तो विभाग द्वारा कोऑर्डिनेशन करके उन योजनाओं को भी संचालित किया जाता है। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ ठीक ही है तो पानी की समस्या क्यों? समस्या योजना के सही तरीके से लागू करने को है, जमीनी हकीकत को समझने की है, साथ ही जल संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने की है, और ये जब तक नहीं होगा पानी की परेशानी बनी रहेगी। दीपक दंडोतिया, News 18, श्योपुर। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर गंदी बात करने वाली महिला की हरकत ने उसे जेल पहुंचा दिया। आरोप है कि वो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को सेक्स टिप्स के साथ साथ छोटे बच्चों के यौन शोषण के बारे में बताती थी। ये पूरा मामला क्या है समझते हैं। सोशल मीडिया पर कुंवारी बेगम नाम से सोशल मीडिया चैनल चल रहा था, लेकिन इसमें परोसे जा रहे कंटेंट के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि गाजियाबाद की रहने वाली शिखा मैत्रेय नाम की युवती इस सोशल मीडिया चैनल को चलाती थी, जिसमें उसे फॉलो करने वाले लोगों को वो सेक्स टिप्स दिया करती थी, लेकिन उसने अपने कंटेंट में सारी मर्यादा को ही लांघ दिया। आरोप है कि वो अपने चैनल के जरिए लोगों से छोटे छोटे बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने के लिए उकसा रही थी, उनके यौन शोषण करने के बारे में बता रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को टैग करते हुए आरोपी युवती पर कार्रवाई की मांग की थी। इनका पूरा का पूरा जो यूट्यूब चैनल है, जो हैंडल है, वो बहुत ही ज्यादा अश्लील कंटेंट से भरा हुआ था, और इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये नौजवान लड़कों को ये बता रही हैं कि वो छोटे बच्चों का कैसे रेप कर सकते हैं। ये FIR जो है मैंने कल दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जिसमें एक महिला द्वारा लोगों को चाइल्ड अब्यूज के लिए उकसाने की घटना सामने आई है। इसके संबंध में थाना कौशाम्बी पर एक सोशल वर्कर द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई है, और जिसका तत्काल ही संज्ञान लेते हुए थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वह जो महिला सोशल मीडिया पर इस प्रकार से चाइल्ड अब्यूज के लिए उकसा रही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया के दौर में मशहूर होने के लिए लोग सोशल मीडिया चैनल बनाते हैं, जिसमें अश्लील कंटेंट की भी भरमार है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन की जरूरत है। ये बात सोचने पर भी मजबूर करती है कि समाज को दूषित करने वाली ऐसी मानसिकता आखिर आती कहां से है। गाजियाबाद से न्यूज 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये बेहद ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं। अब ऐसे ही कुछ मामलों पर नजर डालते हैं जिनमें बच्चों के उत्पीड़न के आरोप लगे।
साल 2005 में नोएडा के निठारी में एक के बाद एक बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होते जा रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो कोठी नंबर D5 के आसपास के नाले से नरकंकाल मिलने लगे। इसके बाद कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर निठारी के आसपास के गांवों में बच्चों और महिलाओं का अपहरण, बलात्कार करने, हत्या करके शवों को नाले में फेंकने का आरोप लगा। साल 2023 में हरियाणा के जींद के एक स्कूल में करीब 60 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। स्कूल के प्रिंसिपल पर ही छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। इसी साल उज्जैन के दंडी आश्रम से 19 बच्चों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पहले यहां 2 से 3 बच्चों के साथ शोषण की खबरें सामने आईं, लेकिन जैसे ही खुलासा हुआ उसके बाद तो धीरे धीरे दूसरे मामले भी खुलने लग गए। साल 2018 में देहरादून के एक स्कूल में भी छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। स्कूल के ही एक शिक्षक पर आरोप लगाए गए थे। भारत ही नहीं, अमेरिका, पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन की एडिनबरा यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण और प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। दुनिया के हर 8वें बच्चे को इंटरनेट पर यौन शोषण का शिकार होना पड़ा, जो बेहद ही चिंता में डालने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात मुंबई